हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज सूर्य ग्रहण है और हर जगह है, देश में और विदेश में सारी जगह सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो खास तौर से सभी के लिए ही खराब है क्योंकि इस साल का लास्ट सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो आप लोग सेफ रहें और फैमिली को सेफ रखें, खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और बच्चे हैं जो कि गर्भवती जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, लेडीज हैं, वो दिन में ही बाहर धूप में ना निकलें। और ऐसा खुद मैं नहीं, ज्योतिषाचार्य भी बोल रहे हैं, और कोई भी मतलब कटीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, चाकू से सब्जी काटना या कोई भी ना करें। और वो जब सूर्य ग्रहण का जो समय है वो लगभग 4 बजे से शाम को 6 बजे तक है, इस बीच में वो कुछ भी ना खाएं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताया गया है सूर्य ग्रहण। और जो बच्चे हैं छोटे उनको भी धूप में ना निकल लेने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है, बच्चों पे भी हो सकता है, बड़े भी खाली आँखों से सूर्य को ना देखें। और यही है कि आप लोग बहुत सेफ रहें, दिन में भगवान का मंत्र का जाप करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं गर्भवती महिलाएं, और सभी लोग भगवान का जाप करें। जो भी आपको मंत्र आता है, जिस भी देवी देवता का आप जाप करें, खास तौर से गर्भवती महिलाएं भी करें और सभी लोग भगवान का जाप करें। दिन में नहीं कर सकते, 4 से 6 के बीच में जो है वो उस बीच में आप लोग भगवान का ध्यान करें, क्योंकि संध्या का समय भी है, आरती का शाम का भी शाम भी होगा, तो सूर्य ढलते समय ये पड़ रहा है, इस बीच में आप लोग ध्यान करें, भगवान का मंत्र का जाप करें, क्योंकि इसका असर बहुत बुरा इस बार बताया जा रहा है। तुला राशि पर भी बताया जा रहा है, मेरी भी राशि तुला है और सारी राशियों पर है, हर जगह देखने ये मिलेगा इस बार, तो सेफ रहें, हल्के में ना लें, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा है और न्यूज़ चैनल में भी काफ़ी दिन से चल रहा है। और जो भी है, अभी सूतक है, सुबह 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को सुबह 3 बजे से लग चुका है सूतक, तो सूतक तो चल रहा है। सूतक में तो बच्चे खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे, पानी भी पिएंगे, बस जो भी आपके खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें तुलसी डाल दें, क्योंकि बिना पानी के तो कोई भी नहीं रह सकता है। तो हर चीज़ में, खाने में, पीने में, जो भी आपका खाना रखा हुआ है उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें, फिर पानी पिए, दूध रखा है सब में तुलसी डाल दें। आज तुलसी को भी टच ना करें, तुलसी पहले से तोड़कर आप जिसने भी रखी हुई है उसको, तुलसी को सब में डाल दें, जो भी आपका खाने पीने का सामान है हो, और भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, भगवान का नाम लें। आप लोग जहाँ ऐसे हैं कि जो नहीं रह सकते, चलते फिरते भी भगवान का नाम लें, लेकिन जितना कम हो सके धूप में निकले ना, धूप में सूर्य को देखें ना खाली आंखों से कोई भी हो, और गर्भवती महिलाएं तो बिल्कुल भी ना निकले, परछाई भी ना पड़े उनकी जो धूप है, बच्चे हैं, जैसे मेरी काव्या भी है, मैं भी उसको नहीं निकलने दे रही हूँ, कोई भी नहीं, और गर्भवती महिलाएं खास तौर से बच के रहें। मेरा ये खुद रिक्वेस्ट है, जो लोग भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, एक दिन घर के बाहर ना निकलें, खास तौर से सब्जी जो चाकू वगैरह है, जो भी कटीली चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ना करें, जो बड़े बड़े अगर साधु संत बोल रहे हैं। और शाम को जब सूर्य ग्रहण खत्म होता है जैसे 6 बजे, अपने घर की साफ सफाई करके, धुलाई करके, भगवान को नहला के, खुद नहला धो के, बाद में ही कुछ खाएं पिएं, और अभी तुलसी दल डाल दें, बच्चे कोई भी नहीं रह सकता है बिना खाए पिए, लेकिन 4 से 6 के बीच में आप लोग ध्यान रखें। और मैं यही कामना भगवान से करती हूँ, ईश्वर से, कि आराम से ग्रहण निकल जाए, किसी पर भी इसका दुष्प्रभाव ना हो। जय माता दी। यह काव्या को आज, यह काव्या अंधराज काव्या को गेट पे नहीं जाने दे रहे हैं हम, बाहर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज क्या है काव्या, आज सूर्य ग्रहण है, और ये अभी शायद आगे 10 साल तक नहीं दिखेगा, इस साल का लास्ट सूर्य ग्रहण है, इसलिए काव्या भी घर के अंदर परेशान है, लेकिन सेफ रखना हमारा काम है ना, उसको तो पता नहीं है ना, इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें, घर के अंदर ही संभाल कर रखें, शैतान करेंगे बस घर के अंदर थोड़ा ज्यादा। कैसे बोलेगा भैया, भगवान जी की जय जय।
ऐसे आज सारा दिन आप लोगों को भी जय बोलना है और अपने बच्चों से भी जय बुलवाना है, मंत्र भी पढ़वाना है। भैया कैसे बोलना है? जय भगवान जी की, जय जय जय। अगर काव्या जय बोल सकती है तो आप लोग भी जय बोलें और ये वीडियो काव्या का अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि वो भी सीखें, और क्योंकि देख के वो लोग बच्चे जरूर कॉपी करते हैं, बोलते हैं। तो आप लोग मंत्र का जाप करें ताकि आराम से जो भी जिसके ऊपर अगर हो भी तो बड़ी सरलता से आप भगवान का भजन करने से निकल जाए। जय जय। अभी काव्या भी और हम सब भी मंत्र का जाप करेंगे जितना जो भी बनेगा बैठ के, और आप लोग भी बैठ के करना, आपकी फैमिली जहाँ जो है चलते फिरते भी कर सकते हैं। काव्या कैसे करेगी पूजा? कैसे करेगी काव्या? कैसे करेगी काव्या पूजा? पूजा जल्दी पूजा करो, पूजा पूजा। सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम।